गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जो क्लास फोर का वीकली टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। देखो वन नंबर एट द फॉलोइंग का है, 15/12 दिया है प्लस 6/12 दिया है, तो नीचे गया 12, 15 प्लस 6 21/12। नंबर टू 19/14 दिया था प्लस 6/12 दिया था, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने से 23/14 प्लस 6/12 ये एलसीएम कितना गया 72 को 14 में डिवाइड करने से और 23 में मल्टीप्लाई करने से 183 होगा, प्लस 72 को 12 से डिवाइड करने से 6 6 36, ये दोनों को मिलाने से 174/72। उसके बाद नंबर बी क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 2/3 -3/8 दिया है, इसका एलसीएम 24 को 3 में डिवाइड करने से कितना होगा 8, तो 8 को 2 में मल्टीप्लाई करने से 16 माइनस 24 को 8 में डिवाइड करने से 3 3 3 या 9, 16 से 9 करने से 7/24। नंबर टू 3 6/7 माइनस 2 1/7 दिया था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने से 27/7 डिवीजन माइनस 15/7, तो एलसीएम इसका 7, जो डिनोमिनेशन में सेम है तो सेम 7 आएगा, 7 ही गया, 27 माइनस 15 करने से 12/7। उसके बाद नंबर सी फाइंड द सम, 4/15 प्लस 3/15 प्लस 7/15 दिया है, तीनों का डिनोमिनेशन सेम है तो नीचे 15 गया, 4 + 3 + 7 तो 14/15। ये 6/13, 2/13, 7/13, तीनों का डिनोमिनेशन सेम है, नीचे 13 गया, 6 + 2 + 7 15/13 ये आंसर होगा। उसके बाद नंबर डी फाइंड द डिफरेंट का है, 13/19 माइनस 12/19 दिया है, दोनों का डिनोमिनेशन सेम है, नीचे 19 गया, 13 - 12 करने से 1/19, ये 25/15 माइनस 21/15, दोनों का डिनोमिनेशन सेम है, नीचे 15 गया, 25 माइनस 21 करने से 4/15। तो आज का डिस्कशन खत्म हो गया, थैंक यू।